मैंने अपने यूपी 100 प्रभारी और SI अभयपाल और उसका ड्राइवर जो अनुपम है वो हमसे वो सभी PRB कर्मचारियों से अवैध वसूली करता था और हमसे कम से कम एक महीने से लगातार डेली 500-500 रुपये दारू के लिए और दारू एंटीक्विटी और मुर्गा के लिए डेली पैसे लेता था। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो हमने ड्राइवर मुझे टार्चर करता था कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी पोस्टिंग बहुत दूर कर देंगे। उसके बाद मैंने उसने बहुत बार लमसम दसियों बार जो पुलिस लाइन में आनंद भाई मेडिकल जनरल स्टोर है उनसे मैंने फ़ोन करके कहा भैया पैसे दे देना, तो उनके पास ड्राइवर पैसे लेने गया और पुलिस लाइन में जो मनीष टेलर है उनसे मैंने 2-3 बार पैसे दिलवाए। किस बात के पैसे लेते हैं ये DT लगवाई पैसे लेते हैं? अच्छा, कितने कितने लेते हैं? कभी 500-1000 और दावत अगर रपट लिख देते तो 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अच्छा, रपट दबाने के। अच्छा अच्छा, तो आपने इसकी किससे शिकायत की है? मैंने इसकी शिकायत DGP को की, IG को की, ADG को की, UP 100 कार्यालय लखनऊ में की और अपने कप्तान साहब को की। अच्छा। और इसकी रिकॉर्डिंग की चिप भी मैंने सब प्रार्थना पत्र में चिपका दी है। अच्छा अच्छा, उसमें रिकॉर्डिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में जो इनका ड्राइवर है वो मुझसे ये कह रहा है कि तुमने 3 दिन पैसे नहीं दिए इसलिए जो तुम्हारे साथ न तुम्हें छुट्टी मिलेगी और न और तुम्हारी पोस्टिंग तुम्हें बच्चों के पास नहीं रहने देंगे। अच्छा, अब आपके साथ चल क्या रहा है भ्रमण? अब मेरे साथ ये चल रहा है कि अगर हम ड्यूटी पर भी मौजूद होते हैं तब भी रपट लिखी जाती है। घटना 5 तारीख की है, परेड का दिन था, हमने ड्यूटी 5 बजे परेड में गए। हम लोग परेड करने के बाद शाम टाइम लमसम 6:30 बजे होगा, हम अपने एक दिल थानी से लमसम 200 मीटर हाईवे पर पॉइंट पर खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब अभयपाल और विनोद और इनका ड्राइवर अनूप आया और मेरे ड्राइवर से इन्होंने हम PRB से 10 मीटर दूरी पर हम और मेरे SCP बातचीत कर रहे थे। तब चेंजिंग हम लोगों को होनी थी, तब तक इंस्पेक्टर और अभयपाल और विनोद और जे इनका ड्राइवर अनूप आया, इन्होंने ना हूटर बजाया ना मुझे बुलाने दिया, मेरी रपट अंकित करके हम लोग जब रपट अंकित कर रहे थे हम लोग आ गए। हमारे SCP ने कहा भैया गलती क्या है, तो इन्होंने अभयपाल ने ये कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे खिलाफ़ कुछ नहीं होगा, जो होगा इस कांस्टेबल के खिलाफ होगा। हम लोग मौजूद होते हुए भी रपट लिख देते हैं और रपट लिखने के बाद ये अभयपाल हम लोगों को ऑफिस बुलाते हैं और उसमें दावत या फिर पैसे मांगते हैं, ना देने पर गैरहाजिरी अंकित करके वार करवा देते हैं और सिपाही का मतलब नुकसान करवाने की धमकी दिया करते हैं। मेरे संज्ञान में केवल सोशल मीडिया से एक ट्विटर अकाउंट से कुछ चीज़ें पता चली इस तरह की। जब मैंने इसके बहुत जानकारी की तो प्रभारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उनका कहना है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिया है कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक जो है गैरहाजिरी के प्रकरण हैं, तमाम तरह की, वो बिना ड्यूटी पे बिना बताए गायब हो जाते हैं और भी तमाम तरह की शिकायतें उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई जिसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी SPCT द्वारा की गई है, कराई जा रही है, 72 घंटे में उनसे रिपोर्ट की अपेक्षा भी की गई है। रिपोर्ट आने के बाद जो है इसमें जो भी कार्रवाई होगी चाहे कोई भी हो दोषी होगा उसके विरुद्ध की जाएगी। शिकायतकर्ता की तरफ से सर एक वो सभी जांच के विषय हैं, ऑडियो की सत्यता और उसमें किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, यदि किसी से बात हुई है तो देखा जाएगा कि वो क्या उसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है या नहीं। पहले तो ऑडियो की जो वास्तविकता है उसकी रियलिटी है उसको चेक किया जाए कि कौन है क्या है, और इसी सब जांच के लिए SPCT को दायित्व सौंपा गया है। वही जांच करके जब विस्तृत रिपोर्ट देंगे तभी हम उस पर कुछ अभी बताने में सक्षम हो पाएंगे।